हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होने वाला है। तो इससे पहले जो है, मैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो जिसने भी वो वॉच नहीं करी है तो वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकता है। जो है उसका, उस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। क्या होता है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, तो पढ़ते हैं। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, किसको हम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम बोलेंगे, वो आज हम देखेंगे। तो ए पॉइंट सबसे पहला जो है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब असेसी ने जो है फैक्ट्स को छुपाया या फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया अच्छे से, यानी कि उसको ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, मिस रिप्रेजेंट, गलत तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया असेसी द्वारा, वो जो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में इंक्लूड की जाएगी। बी पॉइंट है, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि अगर असेसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी या करी है, ठीक है, और उसने जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, तो उसको जो है हम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम बोलेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। अब इस पॉइंट का ये मतलब है कि असेसी ने जो है कोई एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सपेंस किया और उसने क्लेम भी कर लिया कि हाँ भाई ये मैंने एक्सपेंस किया है, बट लेकिन जो है कोई प्रूफ नहीं है उसका। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर का जो है प्रूफ ही नहीं है, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उसको हम जो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेंगे। ठीक है, नाउ डी पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब असेसी ने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में जो है फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड की है, जो कि गलत है, जो कि झूठी है। ठीक है, नाउ ई पॉइंट इज फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग अ बियरिंग ऑन टोटल इनकम। मतलब कोई ऐसी रिसिप्ट हुई जो उसने जो है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखी, नहीं रिकॉर्ड करी, जिसका जो है इफेक्ट टोटल इनकम पर पड़ सकता था, उसने वो नहीं लिखी, तो ये भी जो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहलाएगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो कितनी पेनल्टी लगेगी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अगर होगा उस केस में जो है, कितनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यहां पर हमें दे रखा है 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम। अब यहां पर हमने क्या दे रखा है कि 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी। मैंने आपको अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जब पढ़ाया था तो हमने निकाली थी कि भाई अंडर रिपोर्टिंग इनकम पे जितनी भी अमाउंट निकल के आएगी उस पर 50% जो है टैक्स पेएबल होगा, मतलब जो भी टैक्स पेएबल होगा उसके ऊपर जो है 50% पेनल्टी लगेगी। तो यहां इस केस में, यानी कि मिस रिपोर्टिंग के केस में क्या है कि सीधे 200% की पेनल्टी होगी, सीधे 200% की। मतलब जो भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम में अमाउंट निकल के आएगी, जो भी आएगी, उस पे जितना टैक्स बनेगा उसकी ऊपर 200% की पेनल्टी लगी जाएगी। ठीक है, सो जैसे मान लो कि अंडर रिपोर्टेड इनकम की जो अमाउंट है वो 100 रुपीज है और जो टैक्स पेएबल है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम की जो अमाउंट आई वो 100 रुपए और उसपे जो टैक्स बनता है वो मान लो 30 रुपए है। ठीक है,
तो 30 रुपए के हिसाब से अगर वो मिस रिपोर्टिंग इनकम का केस है तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 200% कितना होगा, 30 और 30 60 रुपए, 60 रुपए सीधा पेनल्टी, यानी कि 200% की पेनल्टी लगेगी जितना भी टैक्स पेएबल होगा, ठीक है। नाउ अब आता है इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, सेक्शन 270A। तो अब जो है पेनल्टी का जो है इम्पोजिशन तो हो ही चुका है, तो क्या इम्यूनिटी मिल सकती है कुछ, ठीक है। तो इम्यूनिटी का सीधा सा सिंपल सा यही मीनिंग होता है कि अगर जो है एक असेसी है उस पे जो है पेनल्टी लगाई गई है ये इस मिस रिपोर्टिंग के केस में, तो जो है उसको लार्जर कैश जो है वो भरना पड़ेगा, तो वो जो है मिस कुछ इम्यूनिटी की मांग कर सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि अब क्या बोलता है देखते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्या बोल रहा है कि एन असेसी मे मेक एन एप्लीकेशन, जो असेसी है वो एक एप्लीकेशन लिख सकता है टू द असेसिंग ऑफिसर को, किस लिए, टू ग्रांट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ग्रांट करने के लिए, इम्यूनिटी पाने के लिए फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, जो है पेनल्टी पे जो भी उसको इम्पोजिशन हुई है, जितनी भी उस पर लेवाई की गई है पेनल्टी, किसके तहत, अंडर सेक्शन 270A के तहत, एंड इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, अंडर 276 एंड 276C। सो बट ही मे सेंड एन एप्लीकेशन ओनली, लेकिन वो कह रहा है कि एप्लीकेशन वो तभी सेंड कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को व्हेन ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, जब वो कुछ कंडीशंस को पूरा करेगा, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द टैक्स एंड इंटरेस्ट पे एबल एज पर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 एंड और अंडर सेक्शन 147 हैज बीन पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। अब इसका ये मतलब है कि वो अगर जो है असेसी जिस पर पेनल्टी लगाई गई है, अगर उसने जो है टैक्स और इंटरेस्ट जो है पे कर दिया है विद इन पीरियड, मतलब पीरियड मतलब विद इन जो पीरियड टाइम में जो है उसने जो है टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो वो जो है इम्यूनिटी की डिमांड कर सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है कि नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेंशन्ड इन ए हैज बीन फाइल्ड, अगर उसने कोई अपील फाइल नहीं करी है तो, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज असेसिंग ऑफिसर मे ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन दैट केस व्हेन प्रोसीडिंग हैज नॉट बीन मेड अंडर सेक्शन 270A। अब इसका ये मतलब है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो इम्यूनिटी दे सकता है, ठीक है, कब, किस केस में, इन दैट केस व्हेन प्रोसीडिंग हैज नॉट बीन मेड अंडर सेक्शन 270A। इसका ये मतलब है कि अभी उसने पेनल्टी पे नहीं करी है, ठीक है, पेनल्टी पे करने से पहले जो है हमारा 270A है वो पेनल्टी का है, तो अगर उसने पेनल्टी पे नहीं करी है अभी तक, उससे पहले जो है वो इम्यूनिटी की डिमांड कर सकता है, ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर उसको ग्रांट कर सकता है इम्यूनिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एन एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर टू इम्पोज पेनल्टी हैज बीन रिसीव्ड, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उसको वो एप्लीकेशन जो है मतलब जो है वो लिखनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर को, तभी जो है उसको इम्यूनिटी मिल पाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द असेसिंग ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड पास एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन। अब अगर जो है असेसिंग ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अंदर भी जो है अगर उसकी एप्लीकेशन मिल जाती है, तो उसकी मर्जी है असेसिंग ऑफिसर की, वो जो है कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या फिर वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट करता है, हाउ एवर बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ही विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ बीइंग हर्ड, तो रिजेक्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले वो एक असेसी को या फिर जो एप्लीकेंट है उसको अपॉर्चुनिटी देगा, उसकी बात सुनेगा, ठीक है, रिजेक्ट करने से पहले। इन कंट्रास्ट मतलब ऑन दी अदर हैंड इफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर, अगर जो है वो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेता है असेसिंग ऑफिसर, देन द ऑर्डर मेड बाय हिम शैल बी फाइनल, तो जो ऑर्डर है वो फाइनल रहेगा, मतलब उसको इम्यूनिटी जो है मिल जाएगी, किसको, असेसी को।
Hence, it is clear that there are above discussed provisions of penalty in respect of underreporting and misreporting of income. So, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच.